हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वन सेकेंड तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जैसा कि मैंने आपको कहा था जैसे ही एन की तरफ से करेक्शन विंडो ओपन की जाती है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है ये ओपन हो चुका है तो मैंने आपसे कहा था जैसे ही आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मैं आपको बता दूं यहां पर आप क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट कर सकते हैं देखिए इन व्यू ऑफ न्यूमरस रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द एलोइंग them uh, to edit modify their particulars uh, in online application form of NEET UG 2022 National Testing Agency has decided to provide an opportunity to the candidates for modifying their particulars in uh, online application form तो आप अपनी application form में details को change कर सकते हैं ठीक है तो आप देखें यहाँ पर NEET UG examination uh, 2022 ये date रहेगी आप इतनी date तक correct कर सकते हैं up to 27 आपकी list last जो है वो date रहेगी आप कौन कौन सी चीजें जो है वो आप correct कर सकते हैं as per the registered candidate for the said examination adv advisor

आपको एडिशनल फी जो है वो पे करनी पड़ेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं तो आपको जो है फी पे करनी पड़ेगी अगर आपने पहले लेटर सपोज ओबीसी सेलेक्ट किया और अब आप ओपन मेरिट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एडिशनल फी जो है वो पे करनी पड़ेगी तो इसमें मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज नोट दैट द फाइनल करेक्शन शाल बी एप्लीकेबल आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडिशनल फी इट इज रिक्वायर्ड इन केस द चेंज इन कैटेगरी जेंडर पी डब्ल्यू भी इम्पैक्ट ऑन फी पेमेंट तो आपको फी भरनी पड़ेगी यानी कि अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं और फी पर कोई असर पड़ता है तो आपको जो है वो भरनी पड़ेगी तो आप अच्छी तरीके से अपनी डिटेल्स को करेक्ट करें और यहाँ पर मैंशन है कि आप कौन कौन सी डिटेल्स करेक्ट कर सकते हैं अब मैं आपको बता दू दैट अगर आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से बिलोंग करते हैं काफी से स्टूडेंट्स को मिस्टेक हुई है सेल्फ डेल्लेरेशन फॉर्म वगैरह के अंदर कैसे उसे करेक्ट करते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप चैनल पर जरूर चैनल को जरूर सब सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो